दिस ऑन मैं खुदा हूँ, मैं खुदा हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। ऑनरेबल कोर्ट सबको ये हमको इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि हमारी चने के पेड़ के ऊपर कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए हम उस पर नहीं चढ़ते सर। Then may I just be given some... So we have challenged the order at P9, page 28, wherein from one temporary relocated place, my excise shop, composite excise shop has been directed to be transferred to another temporary place because the original allotted place has been closed from both sides due to metro rail construction. Due to? Metro rail construction in Bhopal. Anji. So... our license is annexure P2 at page 15. It was issued on 29/3/2024. We started the shop and sir metro band kara de nahi plus wo contention nahi hai ye hai ki original place se humko ek bar aapne agar koi transfer place di hai metro band kara de nahi wo nahi keh rahe hain sir mere bhai limited relief hai ki jab tak metro rail mere bhai का कंस्ट्रक्शन चल रहा है कोई बात नहीं हमको जहां आपने विस्थापित किया उधर ही रहने थे दूसरी जगह का आपका जो रीजन है वो हमारे लाइसेंस के पहले का है मतलब दिस इज माय रिस्पेक्टफुल सबमिशन द ओनली रीजंस व्हिच आर स्टेटेड आपको उसमें कहीं पब्लिक न्यूसेंस है थोड़ा समझने दो यार आपकी पहले कहां थी शराब की दुकान हबीबगंज फाटक के फाटक फिर वो आ गई थिंक गैस पेट्रोल पंप के सामने जी आप थिंक गैस पेट्रोल पंप के वहां पे दो लेटर्स का इन्होंने मेट्रो रेल बनने लग गई नहीं नहीं ओरिजिनल प्लेस पे मेट्रो रेल बन रही है हबीबगंज फाटक के वहाँ वहाँ से हमको थिंक टैंक के बाजू में एक जगह है जो इनकी थी वेयर दे इंस्पेक्टेड एंड ग्रांटेड अस परमिशन टू शिफ्ट अब वहाँ से दो लेटर्स का हवाला दे रहे हैं 20/3/24 और 27/3/24 उसमें कहीं भी ये नहीं है कि पब्लिक न्यूसेंस हो रहा है या वी आर कॉजिंग एनी हार्म टू द पब्लिक या कोई हमारे कारण और नुकसान हो रहा है इसीलिए आई वाज शोइंग द डेट ऑफ लाइसेंस लाइसेंस डेट इज 29/3/2024 इन्होंने जो दो लेटर्स का हवाला दिया है वो 20/3 और 27/3 है विच आर प्रायर टू द इशुएंस ऑफ लाइसेंस इटसेल्फ रिलोकेशन का ऑर्डर जो किया था वो इन्होंने हमको क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी दो जगह से रोड ब्लॉक था इसलिए इन्होंने हमको एक जगह पे रिलोकेट कर दिया अब नाउ दे आर अगेन आस्किंग अस टू शिफ्ट मिलर्स इट इज अ मैटर अबाउट 8 months और मेट्रो रेल शायद 4 महीने में भी कंप्लीट हो सकता है तो वी माइट गो बैक टू आवर ओरिजिनल प्लेस सो टिल सच टाइम दैट ओरिजिनल प्लेस इज रिस्टोर्ड वहां पे क्या है वहां पे कस्टमर कम आएंगे क्या नहीं 6 किलोमीटर दूर है दोबारा शिफ्टिंग में मतलब वी वुड बी सफरिंग रेवेन्यू लॉस दैट इज द ओनली कोई बात नहीं सर इज इट अ ट्रेड और इट इज अ प्रिविलेज नहीं है तो कंसेशन मतलब वो इट इज अ काइंड ऑफ अ लाइसेंस मतलब वो है देखिए आर्टिकल 19 की लाइफ में मैंने पूछा नहीं उसके में तो मतलब वो दैट इज व्हाई आई एम बिफोर अ लॉर्डशिप विद अ लिमिटेड प्रेयर मेरे भाई अगर आर्टिकल 19 का वायलेशन होता आई वुड हैव आस्क्ड मिस्टर स्वप्निल के भाई ये क्या है ही इज आपने इंस्पेक्ट करके दी थी वेर इन यहाँ पे ऑब्जेक्शन आए यहाँ पे तो न्यूसेंस हो रहा है नहीं वो प्रायर टू दैट था मतलब वही मैं कह रहा हूँ देखिए जो दो लेटर्स का इन्होंने दिया है RRL तरह है मुझे जो समझ में आया आपकी हबीबगंज फाटक वाली दुकान को थिंक पेट्रोल पंप और थिंक गैस पेट्रोल पंप के सामने शासकीय भूमि पर 22/3/2024 तक दुकान संचालन की अस्थाई अनुमति दी गई थी जी ठीक है तो दिस वाज द फर्स्ट शिफ्टिंग दिस वाज द फर्स्ट शिफ्टिंग अब उन्होंने कहा कि साहब ये वहां पे बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही है बिकॉज ऑफ सर्टेन कंप्लेंट्स अब आप तीसरी जगह चले मैं जस्ट रीड दी आप कहते हैं हम तीसरी जगह नहीं जाए नहीं वो नहीं कह रहे दो लेटर्स का जो उन्होंने हवाला दिया वो देख लेंगे मेरे भाई मैं किस प्रोविजन का वायलेशन कहते हुए ये क्वेश्चन करूं ये पूछ रहा हूं आर्टिकल 19 एज रिगार्ड्स लीगल प्रोविजन आर्टिकल 19 लगता है आर्टिकल 19 इस केस में लगता नहीं है बिजनेस में आर्टिकल 19 लगता है इस केस में लगता नहीं है वो तो this has been upheld by Supreme Court because that is why it is not a trade, it is a privilege or concession yahi ek business hai jahan pe state ki exclusive monopoly hai because it is the state largesse that we are members and it is so main kis cheez ka but eventually the state is a contractor for the purposes of specific performance of contract why is the petition sir Why the petition? Because the reasons are not justified would be my no only problem.
इट इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर फॉर ऑल पर्पसेस बिफोर यू गॉट कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टैट्यूटरी राइट हो देन आई कैन अंडरस्टैंड है तो लाइसेंस का राइट ओनली, दैट इज द ओनली लिमिटेड और राइट. लाइसेंस भी जो है इन रिस्पेक्ट ऑफ अ बिजनेस व्हिच इज अ प्रिविलेज एंड नॉट अ बिजनेस. तो हम जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अंडर आर्टिकल 19 लगाते हैं उस पर भी हम टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि 19 लगता नहीं है. फाइन The order may just be seen for a moment. फाइन सर नो डिफिकल्टी. वो जो दो अरे साहब महीना तो इन्होंने ऑर्डर पास करने में किया, 16-5 को ऑर्डर है, अरे साहब देखो अब यहाँ बैठ के हमसे ना पूछो कि मतलब इट इज अबाउट, इट इज अ मैटर अबाउट फोर नो मंथ. सर 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 जब तक आपका किसी कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टेचुटरी राइट का वायलेशन नहीं होगा आई कैन नॉट क्वेश्चन द प्रोसीडिंग्स. मे जस्ट सी द रीजंस दैट इज ऑल. मे बी रीजंस बहुत खराब हैं अपरेंटली खराब है. मेरी ये बिना मेरे कंसेशनल स्टेटमेंट को मानते हुए आप मान लो कि कोर्ट का मानना है कि बिल्कुल गलत रीजंस हैं. मैं किस एक्ट का किस सेक्शन का किस प्रोविजन का और किस राइट का वायलेशन की बात करूं. दिस ऑनरेबल मैं हैज खुदा हूं कंसिडर्ड, मैं खुदा हूं कुछ भी कर सकता हूं. ऑनरेबल कोर्ट सबको ये हमको इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि हमारी चने के पेड़ के ऊपर कोई दुश्मनी नहीं है इसलिए हम उस पर नहीं चढ़ते सर. देन मतलब मे आई जस्ट बी गिवन सम टाइम टू अप्राइज अस टू व्हाई दिस रिट मे बी मेंटेनेबल, बिकॉज रिलोकेशन ये आपको मन में प्रिलिमिनरी क्वेश्चन नहीं आएगा मतलब ये दिस क्वेश्चन आएगा The ये या relocation petitions have been entertained. हाँ मतलब I'll just हाँ एंटरटेन हो रही है ना तो मोनोपोली हो जाएगी क्या. नहीं, मोनोपोली का सवाल नहीं, नहीं होगी ना सोलह पांच का मतलब ऑर्डर है, आर्टिकल 20-3 पे रिलाई कर कोई रहा है. बात नहीं आर्टिकल 19 लगता नहीं है. इट इज नॉट अ बिजनेस सो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस वाला एस्पेक्ट भी अप्लाई नहीं करेगा. इक्विटेबल तो ऐसा इक्विटेबल के लिए फिर आप सिविल सूट में जाइए. अगर आपका कहना है कि वहां पे कस्टमर कम नहीं, आएंगे तो कस्टमर कमाने का नहीं कह रहे हैं, जस्ट साहब लोग कितने खुश होंगे कि हमारा जो पति है आज होश में आया है. हैं 1995 of 2024 दिस पिटीशन अंडर आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन फाइल्ड अगेंस्ट द ऑर्डर डेटेड 16/5/2024 passed by a collector bracket में excise district Bhopal by which the petitioner who is a licensee has been directed to shift his composite liquor shop to Karol Road. It is submitted by counsel for petitioner that earlier the petitioner was granted license to run.